नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न रोजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हम ग्राम पंचायत अधिकारी के संपूर्ण सिलेबस को फुल कोर्स हम फ्री में दे रहे हैं। हमारे यहाँ प्ले लिस्ट में जाके दे सकते हैं। हम पूरे पंचायती राज व्यवस्था को अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। अभी तक जो भी वीडियो बनाई है, हम जाके आप फ्री में देख सकते हैं। आज उसी संदर्भ में हम बात करेंगे राज्य निर्वाचन आयोग की पंचायत निर्वाचन में भूमिका क्या है। आज हम उसको पढ़ेंगे और डिटेल में समझेंगे उसकी भूमिका क्या है। लगभग आप किसी ग्रामीण क्षेत्र से होंगे और आपका किसी भी प्रकार से राजनीतिक संबंध होगा तो आपको पता होगा राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो किस प्रकार से पंचायत निर्वाचन में भूमिका अपनी निभाता है, किस प्रकार से चुनाव कराता है, किस प्रकार से वोटर लिस्ट बनाता है और किस प्रकार से प्रतीक का आवंटन करता है, सब आपको पता ही होगा। चलिए आज इसी क्रम में हम राज्य निर्वाचन आयोग की पंचायत निर्वाचन में भूमिका को देखेंगे डिटेल में और समझेंगे क्या क्या इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। हम इसको अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस पार्ट से, उसको भी हम देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि क्या क्या पंचायत निर्वाचन में भूमिका है हमारे राज्य निर्वाचन आयोग की। उसके पहले सबसे पहले तो हमें समझना होगा राज्य निर्वाचन आयोग क्या है। तो राज्य निर्वाचन आयोग लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति इत्यादि के निर्वाचन में भारत निर्वाचन जो भारतीय निर्वाचन आयोग है आर्टिकल 323 जिसका है उसका सहायक होता है। राज्य का जो निर्वाचन आयोग होता है उनका सहायक होता है उनके वोटर लिस्ट बनवाने में। और राज्य निर्वाचन आयोग राज्य में पंचायत तथा नगर निकायों निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए उत्तरदायी है? तो जो हमारे पंचायत के चुनाव होते हैं और नगर निकाय के चुनाव होते हैं, नगर निकाय मतलब नगर पालिका नगर निगम जो चुनाव है उसके लिए ये उत्तरदायी होते हैं। कौन उत्तरदायी होता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग जिसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। अब उत्तर प्रदेश का जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो राज्य चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश जिसे आमतौर पर उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग के रूप में जाना जाता है, यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। क्या है? हमें इसको याद करना पड़ेगा, स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जो शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों को, शहरी मतलब नगर पालिका नगर निगम, ग्रामीण मतलब पंचायत चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। आयोग के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं अभी वो कौन है? तो मनोज कुमार है। इसको आप रट्टा मार लीजिए, कौन है? मनोज कुमार अभी प्रेजेंट में चुनाव आयुक्त हैं उत्तर प्रदेश के। क्या है? रट्टा मार लीजिए, राज्य के चुनाव आयुक्त हैं। इसको देखते हैं थोड़ा इस मैप से चार्ट के माध्यम से समझते हैं क्या है राज्य निर्वाचन आयोग, किस प्रकार से इसकी पंचायत में भूमिका है, हम इसको देखते हैं। सबसे पहले देखना होगा उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 23 अप्रैल 1994 को हुई थी। रट्टा मार लीजिए, 23 अप्रैल 1994 को राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। रट्टा मारिए, मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। रट्टा मारना इसे भी। परिणाम क्या क्या इनका मतलब कार्य फंक्शन क्या क्या है कि ये चुनाव में क्या क्या करते हैं? तो परिणाम की तिथि व परिणाम की घोषणा करते हैं, मतगणना के लिए तिथि व स्थान का निर्धारण करते हैं, चुनाव प्रतीकों का आवंटन करते हैं, जो हम चुनाव लड़ते हैं प्रधानी का या सभासदी का उसका चुनाव प्रतीक देते हैं, उसके परिणाम की घोषणा करते हैं, मतगणना कहाँ होगी कैसे होगी, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार करते हैं, कौन कौन नामांकन कर चुका है, किसका वैलिड है किसका इनवैलिड है, उसके बाद मतदान की सूची तैयार करते हैं और कब चुनाव होगा उस तिथि का निर्धारण करते हैं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी मजिस्ट्रेट की निर्वाचन में नियुक्ति करना, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है मजिस्ट्रेट की निर्वाचन में नियुक्ति करते हैं राज्य निर्वाचन आयोग वाले, मतलब जो इस जिस जिले में चुनाव हो रहा है उसका मेन अधिकारी उस जिले का ही जो मजिस्ट्रेट होगा, डीएम होगा, जो भी मतलब आईएएस रैंक का अधिकारी होगा उसको बनाया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण और स्थानीय निकाय का चुनाव संपन्न कराने के लिए उत्तरदायी है कौन है? अभी अपने आपको बताया था, तो जो राज्य निर्वाचन आयोग है उत्तर प्रदेश का वो निकाय चुनाव कराने के लिए शहरी और ग्रामीण में उत्तरदायी है और जिम्मेदार है, उसी को कराना होगा। भारतीय चुनाव आयोग जो दिल्ली में जिसका मुख्यालय है उससे कोई मतलब नहीं है। वर्तमान चुनाव आयुक्त तो कौन है? मनोज कुमार। रट्टा मार दीजिए, जितने भी चार्ट में चीजें दिख रही हो आपको रट्टा तुरंत मार लेना है इसका, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और थोड़ी देर बाद रट्टा मारिए, लेकिन रट्टा आपको मारना ही पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसके बाद चलते हैं हम नीचे, नीचे हम क्या देखेंगे? नीचे हम देखेंगे आयोग का गठन कब हुआ। तो आपको ऊपर दिखाया था आयोग का गठन कब हुआ था, 24 अप्रैल 1994 को, और कैसे किस किसके तहत हुआ, तो भारत के संविधान 73वें और 74वें संशोधन के पारित होने के बाद
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अधिकतम 5 वर्ष के कार्यालय के साथ अस्थायी अविभाज्य स्थानीय निकायों का निर्वाचन अनिवार्य किया गया था और इसका गठन 1994 में हुआ था। आपको इसको रट्टा मार लेना है। कब हुआ आयोग का गठन? तो 24 अप्रैल 1994 को। और क्या माध्यम था? तो 73वां 74वां संविधान जो संशोधन हुआ वही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव का मुख्य संशोधन है जिसकी वजह से आज चुनाव होता है। वर्ष 1993 में अनुच्छेद 243 संविधान का अनुच्छेद 243 के तहत स्थानीय स्व सरकारी निकायों के चुनाव कराने के लिए सभी राज्यों में राज्य चुनाव आयोग की निर्माण की अनुमति दी गई। मतलब उत्तर प्रदेश में ही नहीं, जब ये 73वां 74वां संशोधन पास हुआ तो पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं सबको बोला गया अनुच्छेद 243 के तहत कि अपने अपने राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग का स्थापना करें, उसका गठन करें। अब कार्य क्या है? तो उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग यूपी पंचायती राज अधिनियम 1947 के हिसाब से और यूपी क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम 1961 के हिसाब से के तहत ग्राम पंचायत, ग्राम परिषद, क्षेत्र पंचायत, क्षेत्रीय परिषद और जिला पंचायत, जिला परिषद के चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है हमारे उत्तर प्रदेश में, आप जानते होंगे। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत या जिला परिषद। अब जिला मजिस्ट्रेट जो होता है वो राज्य चुनाव आयोग के सामान्य पर्यवेक्षण के तहत अपने संबंधित जिलों में स्थानीय निकाय चुनाव के संचालन के लिए जिम्मेदार है। जैसा कि आपको मैंने ऊपर बताया, जो भी IAS रैंक का अधिकारी होता है राज्य चुनाव आयोग उसको सौंप सकता है कि आप अपने जिले में चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार हैं और आपको पूरा देख रेख करना है चुनाव का। वो किसी को भी बना सकता है, कोई भी IAS अधिकारी हो। इसके बाद हम देखते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य इस प्रकार हैं। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव संपन्न कराना, मतदाता सूची तैयार करना और उनका प्रकाशन भी करवाना, निर्वाचन संबंधी सार्वजनिक अधिसूचना जारी करना, मतलब कब चुनाव होगा डेट बताना, नामांकन के लिए उपयुक्त तिथियों की घोषणा करना, कब नामांकन होगा, कब नामांकन वापस दिया जाएगा, फिर वैध उम्मीदवारों को सूची का प्रकाशन, जिनकी इनवैलिड हो गए उनको हटा दिया जाएगा, जो वैलिड नामांकन है उनको आगे बढ़ाया जाएगा, निर्वाचन हेतु आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करना, जो भी प्रशासन से व्यवस्था चाहिए, पुलिस चाहिए, पैरामिलिट्री चाहिए, उनको बताना, मतदान का समय, वोटों की गिनती तथा परिणामों की घोषणा करना, मतदान का समय क्या होगा, किस तारीख को होगा और उसके बाद परिणाम की घोषणा कब होगी, ये सब बारे बताना, ये सब राज्य निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य हैं। आपको रट्टा मारना है और आपको मतलब कॉमन सेंस के हिसाब से अगर आपने UP SSC पैड में 70 उससे ऊपर नंबर लाया तो आपको ये सब पता ही होगा कि ग्राम, आप गांव में रहते हैं तो ये सब पता ही होगा, नामांकन, निर्वाचन, परिणाम, मतगणना, सब आपको पता ही होगा। और निर्वाचित उम्मीदवारों की सूची महामहिम राज्यपाल को सौंपना, जो भी उम्मीदवार जीत के आएंगे वो राज्यपाल को आप सौंप देंगे कि ये फला जिले से, फला गांव से कौन कौन जीता है, सब आप लिस्ट उनको दे देंगे। उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कैसे होती है, ये तो उनका कार्य था, अब हम देखते हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है। मुख्य सिलेबस में तो हमारा उनके कार्य के बारे में, तो चुनाव की भूमिका, राज्य निर्वाचन आयोग की पंचायत निर्वाचन में भूमिका, तो हमने देखा ये काम वो करते हैं। लेकिन अब हमें ये भी तो जानना जरूरी है कि राज्य निर्वाचन आयोग की जो नियुक्ति होती है हमारे उत्तर प्रदेश या भारत में कैसे होती है। देखते हैं आयोग की नियुक्ति। आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, जिस भी संबंधित राज्य की बात होगी उसका जो राज्यपाल होगा वही आयुक्त की नियुक्ति करेगा। परंतु आयुक्त के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति यदि वह पहले से सरकारी सेवा में है, अगर किसी भी सरकारी नौकरी या किसी सरकारी सेवा में है तब तक आयुक्त का पद ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि वह उस सेवा से त्याग पत्र ना दे। जब तक वो रिजाइन नहीं दे देगा कि मैं अब सरकारी सेवा, सरकारी नौकरी नहीं करूंगा, तब तक वो आयुक्त नहीं बन सकता। अगर राज्यपाल किसी को आयुक्त बनाता भी है तो सबसे पहले वो अगर सरकारी सेवा में है तो उसको अपने सेवा से इस्तीफा देना होगा, या सेवानिवृत्त न हो गया हो जो सेवारत था, या तो रिटायर्ड हो चुका हो फिर कर सकता है। पदावधि कार्यकाल कितने साल का होता है? तो आयुक्त 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। 5 साल आपको याद करना है। आयुक्त का जो नियुक्ति है कौन करता है? राज्यपाल करता है। उनकी कार्यकाल कितना होता है? तो 5 साल का होता है।
परंतु किसी आयुक्त द्वारा 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने वो अपना पद धारण नहीं करेगा। मान लो कोई आयुक्त घोषित हुआ 62 साल की उम्र में, तो वो 3 साल ही कर पाएगा, क्योंकि इसमें एक और क्लॉज है कि वो 65 वर्ष तक ही मतलब आयुक्त तो बना रहेगा। तो अगर वो 58 साल का है तो पूरा 5 साल का कार्यकाल करेगा, लेकिन अगर वो 62 साल का है तो 3 साल में रिटायर हो जाएगा, क्योंकि वो पहले 5 साल या 65 वर्ष जो भी पहले हो वो पूरा अपना कार्यकाल पूरा करेगा। तो 58 साल वाला तो कर लेगा, लेकिन 62 साल में जो नियुक्ति पाएगा वो पूरा कार्यकाल 5 साल का नहीं कर पाएगा। अब इसके लिए अर्हताएं और पात्रता क्या है, मतलब एलिजिबिलिटी क्या है? तो किसी व्यक्ति को आयुक्त के पद पर भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि वह केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव या उससे उच्च स्तर का कोई अधिकारी हो, उसने जिला मजिस्ट्रेट या मंडल आयुक्त का पद आवश्यक कृत किया हुआ हो और सचिवालय में कोई ज्येष्ठ प्रशासकीय पद कृत किया हो, या तो केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव रहा हो या उससे उच्च स्तर का कोई अधिकारी हो, या तो जिला मजिस्ट्रेट यानी DM या मंडल आयुक्त मतलब कमिश्नर रहा हो, या तो सचिवालय प्रदेश के सचिवालय में कोई ज्येष्ठ प्रशासकीय कृत्य पद पर रहा हो। अगर इसमें से वो कोई किसी भी पद पर रहा है तो उसे आयुक्त घोषित किया जा सकता है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त की। तो उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयुक्त राज्य चुनाव आयोग के प्रमुख के रूप में कार्य करता है। जो चुनाव आयुक्त है वही राज्य चुनाव आयोग का प्रमुख है, वही अध्यक्ष है। अब आमतौर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS का एक सेवानिवृत्त अधिकारी मतलब रिटायर्ड अधिकारी जो होगा आयुक्त को मुख्यमंत्री की सहायता और सलाह पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। आयुक्त को राज्यपाल ही नियुक्त यहाँ भी करता है, लेकिन सलाह कौन देता है, फलाने को करो या इसको करो, वो मुख्यमंत्री सलाह देता है कि इनको आयुक्त बना दिया जाए चुनाव आयुक्त। आयुक्त का कार्यकाल जो है 6 वर्ष है या उसके 68 वर्ष की आयु प्राप्त करने जो भी पहले होता है वो है। वर्तमान राज्य चुनाव आयुक्त मनोज कुमार है। उत्तर प्रदेश में आपको पता है पहले भी गरट्टा मार दीजिए चुनाव आयुक्त इस समय कौन है, तो मनोज कुमार है। यहाँ कार्यकाल कितने का है राज्य चुनाव आयुक्त का, तो आप कहेंगे 6 साल का है या 68 साल जो पहले प्राप्त कर ले। अगर कोई बंदा 65 वर्ष की उम्र में लगता है तो 3 साल ही कर पाएगा, और अगर वो 62 की उम्र में करता है आयुक्त नियुक्त होता है तो 68 तक पूरा कर पाएगा, जैसा कि भारत के चुनाव आयुक्त के मामले में था, जैसे यहाँ पर था। अब हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश पंचायत निर्वाचन नियमावली 1994 में, थोड़ा हल्का सा इसके बारे में देखेंगे। संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947, संयुक्त प्रांत अधिनियम संख्या 25 सन 1947 की धारा 110 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। क्या क्या बनाते हैं इसको देखते हैं हम। तो धारा 110 के अधीन शक्ति का प्रयोग कर राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। क्या क्या बनाते हैं, पहला है संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। संक्षिप्त नाम क्या होगा, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य पंचायती राज अधिनियम में प्रारंभ कब से होगा, इसके बारे में राज्यपाल बनाते हैं। यह नियमावली उत्तर प्रदेश पंचायती राज सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन नियमावली 1994 कही जाएगी। उसमें कैसे कैसे चुनाव होगा प्रधान का, सदस्य का, उप प्रधान का, उसको वो निर्वाचन नियमावली 1994 कही जाएगी। इसमें क जो सब क्लाज है, अधिनियम का तात्पर्य संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 से है। निर्वाचन क्षेत्र का तात्पर्य अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 1 के खंड घ में निर्दिष्ट प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से है। और निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार का तात्पर्य ऐसे उम्मीदवार से है जिसका नाम नियम 19 के अधीन तैयार की गई निर्वाचन लड़ने वाली उम्मीदवारों की सूची में सम्मिलित है, यानी कोई 21 साल का है। और निर्वाचन का तात्पर्य ग्राम पंचायत में स्थान भरने के लिए निर्वाचन से है। और निर्वाचन विवरण का क्या मतलब है, तो का तात्पर्य राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र निर्वाचन विवरणी से है। और मतदाता का क्या तात्पर्य है, तो किसी निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे सदस्य से है जिसे मत देने का अधिकार प्राप्त हो, मतलब 18 साल से ऊपर वाला। और पंचायत निरीक्षक से क्या मतलब है, तो सहायक विकास अधिकारी पंचायत भी है। पंचायत निरीक्षक से मतलब सहायक विकास अधिकारी मतलब ADO साहब है। मतदान विवरणों का तात्पर्य क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में मतदान विवरणी से है।
और स्थान से क्या मतलब है? तो स्थान का तात्पर्य इसमें है नियमावली में किसी ग्राम पंचायत के निर्वाचन के लिए किसी निर्वाचन क्षेत्र को आवंटित स्थान से है कि निर्वाचन कहाँ पर होगा, स्कूल में, विद्यालय में कहाँ होगा। प्रतीक का तात्पर्य नियम 12 के अधीन तैयार की गई सूची में सम्मिलित किसी प्रतीक से है, मतलब जो सिंबल मिलता है चुनाव लड़ने के लिए उसका प्रतीक का तात्पर्य वही है। अब राज्य निर्वाचन आयोग की निर्वाचन में भूमिका क्या है? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तो यही है, निर्वाचन में भूमिका क्या है उसकी। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंचायत और जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति। हमारा राज्य निर्वाचन आयोग है वो क्या करता है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी का नियुक्ति करता है या जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करता है, तो जिसको चाहे उसको निर्वाचन का अधिकारी बना सकता है, लेकिन कम से कम वो आईएएस तो हो ही। तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यथा अपेक्षित राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो पंचायत का चुनाव कराएगा, राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए ग्राम पंचायतों के सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावलियां तैयार करने और उनको प्रकाशित करने और निर्वाचनों के संचालन से संबंधित सभी कृत्य संपादित करेंगे। ये कौन करेगा? तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो होगा, जिसको भी राज्य निर्वाचन अधिकारी जिम्मेदारी देगा, उसकी जिम्मेदारी होगी कि वह अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए निर्वाचक नामावलियां तैयार करने और उनको प्रकाशित करने और निर्वाचन के संचालन से संबंधित सभी कृत्य संपादित करेगा। मतलब वो जरूरी हो जाता है, उसकी जिम्मेदारी है और राज्य निर्वाचन आयोग के प्रति वो उत्तरदायित्व भी है। उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट जिलों में निर्वाचनों का संचालन पर्यवेक्षण करेगा। कौन करेगा? जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। दूसरे में देखते हैं निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कैसे होती है, इस पे बात करते हैं। प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए ग्राम पंचायत में कोई स्थान या स्थानों को भरने के लिए जिला मजिस्ट्रेट एक निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करेगा जो राज्य सरकार का अधिकारी होगा। कौन करेगा? जिला मजिस्ट्रेट करेगा, इसको आरओ बोलेंगे, इसको निर्वाचन अधिकारी को। निर्वाचन अधिकारी इस अध्याय के अधीन अपेक्षित कृत्य करेगा और किसी भी निर्वाचन में उसका यह सामान्य कर्तव्य होगा कि या वे सब कार्य और बात करें जो अधिनियम और नियमावली द्वारा उपबंधित रीति में निर्वाचन का प्रभावी रूप से संचालन करने के लिए आवश्यक हो। कौन करेगा? निर्वाचन अधिकारी जिसको जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। अब देखते हैं उपनियम 2 की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य निर्वाचन आयोग यदि ऐसा करना आवश्यक समझे आदेश द्वारा या निर्देश दे सकता है कि इस नियमावली के अधीन निर्वाचन अधिकारी को ऐसी शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य जो उसके द्वारा सामान्य आदेशों में वे निर्दिष्ट किए जो आदेश में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे निर्बंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए मतदान स्तर पर मतदान अध्यक्ष द्वारा प्रयोग की जाएगी या निर्वहन की जाएगी। ये जो राज्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति, अब इसके अलावा एक सहायक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। उसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो उसकी नियुक्ति भी जिला मजिस्ट्रेट करेगा। तो इसको देखते हैं, जिला मजिस्ट्रेट किसी भी निर्वाचन अधिकारी को उसके कृत्यों के निष्पादन में सहायता करने के लिए एक या अधिक सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर सकता है। उसने जो आरओ निर्वाचन अधिकारी बनाया था उसके सहायता के लिए वो एक या उससे ज्यादा भी सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर सकता है। प्रत्येक सहायक निर्वाचन अधिकारी के नियंत्रण के अधीन रहते हुए निर्वाचन अधिकारी के समस्त किन्हीं कृत्यों को संपादित करने के लिए सक्षम होगा। मतलब उसके साथ रहते हुए वो जो भी काम कहेगा उसको संपादन करने के लिए सक्षम होगा, मतलब बराबर की अथॉरिटी होगी। जब तक कि प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अध्याय में निर्वाचन अधिकारी भी सम्मिलित है जिस कृत्य के संपादन के लिए वो इस नियम के अधीन प्राधिकृत है। अब मतदान स्थल का निर्धारण जो है निर्वाचन अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट के पूर्व अनुमोदन से प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान स्थल भी निर्दिष्ट करेगा। जो निर्वाचन अधिकारी है वो जाएगा और उस गांव में जहां चुनाव होना है मतदान स्थल देखेगा, कहां चुनाव कराना है, किस कमरे में चुनाव कराना है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो जिसको जिला मजिस्ट्रेट ने निर्वाचन अधिकारी बनाया है वही ये काम करेगा। अब मतदान अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति हुई, सहायक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति हुई, उससे पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति हुई जो कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा हुई थी।
राज्य निर्वाचन आयोग ने किसकी नियुक्ति की, तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी की, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने उसके बाद निर्वाचन अधिकारी की अपने नीचे किया और सहायक निर्वाचन अधिकारी का किया। अब जो नियुक्ति होगी वो मतदान अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, और इसको कौन नियुक्त करेगा आइए देखते हैं। निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक मतदान स्थल के लिए एक मतदान अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी नियुक्त करेगा। उसी व्यक्ति को एक से अधिक मतदान स्थल के मतदान स्थल के लिए मतदान अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। अब देखिए, पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को नियुक्त किया, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारी किया। अब जो निर्वाचन अधिकारी था, अब वो हर गांव के लिए एक मतदान अध्यक्ष की नियुक्ति कर रहा है, और एक मतदान अध्यक्ष दो तीन गांव चार गांव में भी मतदान अध्यक्ष हो सकता है। अब मतदान अध्यक्ष उन कृत्यों को करेगा जो कि इस विषय के अधीन उसके द्वारा किए जाने अपेक्षित हों, और उसको यह सामान्य कर्तव्य होगा कि वो मतदान स्थल पर व्यवस्था बनाए रखे और यह देखे कि मतदान सुचारू रूप से है। उसकी जिम्मेदारी यही है कि उसको देखना है जिस दिन मतदान हो रहा है कि मतदान सही तरीके से हो रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं। यदि मतदान अध्यक्ष मतदान स्थल से अनुपस्थित होने के लिए विवश हो तो उसके कृत्यों का संपादन ऐसे मतदान अधिकारी करेगा जो निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए पूर्व अधिकृत किया गया हो। अगर मतदान अध्यक्ष प्रेजेंट नहीं है तो जो मतदान अधिकारी जो भी करेगा, जो अब नया निर्वाचन अधिकारी किसी को भी अथॉरिटी दे सकता है, जब तक मतदान अध्यक्ष वहां तक नहीं पहुंचता है आप उसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं और उसका कार्य सुचारू रूप से चला सकते हैं। अब बात आती है मतदान अधिकारी की। जो निर्वाचन अधिकारी है हमारा, जो निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक मतदान स्थल के लिए उनके मतदान अधिकारी पोलिंग ऑफिसर या अधिकारियों को जितना कि वह मतदान अध्यक्ष के कार्यों में सहायक करने या ऐसे अन्य कार्यों को करने के लिए जो इस विषय में दिए गए कार्यों के लिए आवश्यक समझे नियुक्त करेगा। मतलब मतदान अध्यक्ष के बाद मतदान अधिकारी की नियुक्ति किया जाएगा। इसके बाद यदि मतदान अधिकारी मतदान स्थल से अनुपस्थित हो तो मतदान अध्यक्ष उम्मीदवार द्वारा या उसकी ओर से निर्वाचन या निर्वाचन के संबंध में नियुक्त व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को जो मतदान स्थल पर उपस्थित है अनुपस्थित पूर्वोत्तर अधिकारी के दौरान मतदान अधिकारी नियुक्त कर सकता है, और ऐसे किसी नियुक्ति की दशा में निर्वाचन अधिकारी को तदनुसार सूचना देगा। मतलब यहाँ वही मामला, अगर मतदान अधिकारी किसी कारण अनुपस्थित है तो जो इससे पहले मतदान अध्यक्ष था वो किसी और को भी नियुक्त कर सकता है जब तक वो ना आए। इसके बाद मतदान अध्यक्ष बाद मतदान अधिकारी या मतदान अधिकारी के बाद है निर्वाचन अभिकर्ता। निर्वाचन का उम्मीदवार लिखित में संबंधित ग्राम पंचायत के किसी निर्वाचक को अपना निर्वाचन अभिकर्ता इलेक्शन एजेंट नियुक्त कर सकता है, और ऐसी नियुक्ति की सूचना निर्वाचन अधिकारी को दी जाएगी। अब जो एजेंट बनते हैं गाँव में, मतलब वहीं के लोग होते हैं और वो पंचायत में जो चुनाव हो रहा है उसको देख रेख के लिए कि कोई अंदर किसी प्रकार की जालसाजी ना हो, वो बनते हैं निर्वाचन अभिकर्ता यानी कि एजेंट, इलेक्शन एजेंट बनते हैं। तो जो ये इलेक्शन एजेंट तो बनते हैं, लेकिन इनको बनाता है कौन है, जो सूचना निर्वाचन अधिकारी, जो निर्वाचन अधिकारी मेन है उसका साइन होना बहुत जरूरी है। तो एक दिन पहले ही अप्लाई किया जाता है, और चुनाव वाले दिन जो भी गाँव का एजेंट बनना चाहता हो एजेंट बनकर वो बूथों पर खड़ा रहता है। इसके बाद मतदान अभिकर्ता, निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार या उसका निर्वाचन अभिकर्ता ग्राम पंचायत के निर्वाचकों में से किसी एक अन्य व्यक्ति को मतदान स्थल पर ऐसे उम्मीदवार के मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकता है। अब मतदान अभिकर्ता, वो तो निर्वाचन अभिकर्ता था इलेक्शन एजेंट, अब मतदान अभिकर्ता। तो अब यहाँ है कि जो गाँव के मतलब जो चुनाव लड़े हुए हैं वो भी अपना एक एक वहाँ पर एजेंट रख सकते हैं। अंदर तो नहीं जाएंगे, वो गेट पर खड़े रहेंगे और देखेंगे चुनाव सही तरीके से चल रहा है कि नहीं। अब इसको हमने देखा कितने लोग हो गए पूरे। सबसे पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने किसको किया, मुख्य निर्वाचन अधिकारी को। उसके बाद निर्वाचन अधिकारी ने किसको किया, तो निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करी। निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति के बाद निर्वाचन आयोग सहायक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करी मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने। उसके बाद जो निर्वाचन अधिकारी थे उन्होंने मतदान अध्यक्ष की नियुक्ति की, और मतदान अध्यक्ष ने मतदान अधिकारी की नियुक्ति की, मतदान अधिकारी ने निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति की,
उसके बाद जो मतदान अभिकर्ता है ये ग्राम प्रधानों द्वारा या जो उम्मीदवार है उनके द्वारा मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति की गई। इसके बाद हम देखेंगे निर्वाचन की सूचना और दिनांक का निर्धारण कैसे होता है, और उसके बाद निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची और प्रतीक का आवंटन कैसे होता है, ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, आपको देखने में भी कष्ट होगा। फिर अगर अभी तक आप वीडियो में बने रहे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद ऐसी वीडियो में बने रहने के लिए, और ऐसी वीडियो हम हमेशा लाते रहेंगे आप अगर हमारा साथ देंगे तो। धन्यवाद आप सभी का।